नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, आज SBI PO का मेंस का पेपर था। उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा गया होगा। देखिए, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सारे ही सेक्शन डिफिकल्ट आए थे। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो आज के पेपर में अगर आपने 75+ अटेम्प्ट किया है तो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। और देखिए दोस्तों, कल जिनका पेपर है SBI क्लर्क मेंस का, तो मैं उन्हें बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आप पैनिक मत होना। ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पेपर डिफिकल्ट आया है, तो फिर वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो जो क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होने वाले हैं वो भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगे, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। तो ऐसे कंडीशन में आप दो चार क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे, शांत दिमाग से बस करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप कल का पेपर अच्छे से दोगे। शांत दिमाग से देना, रिलैक्स होकर देना, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी मत होना अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो। आपको कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग RRB PO के प्री लेवल की पजल करने वाले हैं। 3 वेरिएबल की ये पजल है और ये हमें राहुल ने भेजा है। सो थैंक यू राहुल हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए अब साथ में पढ़ते हैं हम लोग। JKLMNOPR 7 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3 डिफरेंट क्लासेस, क्लास 9, 10 एंड 11। एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स स्टडीज इन ईच क्लास, ईच वन ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं, 7 स्टूडेंट्स अलग अलग क्लास में 9, 10 और 11 में पढ़ते हैं और सभी को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। साथ ही इसमें ये बोला गया है कि हर क्लास में कम से कम 2 स्टूडेंट्स होंगे, 2 कम से कम तो होने ही हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लासेस हैं और मिनिमम 2 होने हैं। तो मतलब 2 क्लास ऐसे होंगे जिसमें 2-2 स्टूडेंट्स होंगे और 1 क्लास ऐसा होगा जिसमें कि 3 स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। JKLMNOP ये 7 स्टूडेंट्स हैं, तो JKLMNO और P। देखिए आज मेरा पेन ठीक से चल नहीं रहा है, कल मुझे एक नया पेन लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अब समझ में आ जाएगा। आज तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स नोट डाउन करूँगा, यहाँ पर मैं क्लासेस नोट डाउन करूँगा और इधर कोई पॉसिबिलिटी बनेगी उसे नोट डाउन करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम लाइक्स मैथमेटिक्स एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 10। तो एम को मैथ पसंद है, साथ ही साथ ये क्लास 10 में नहीं पढ़ता है, तो क्लास 10 यहाँ पर काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। के लाइक्स बायोलॉजी एंड स्टडीज इन ए क्लास ओनली विद द वन हु लाइक्स कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि के को बायोलॉजी पसंद है, तो यहाँ पर बायो लिख देते हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ उसके साथ ही क्लास में पढ़ता है जिसे कि कंप्यूटर पसंद है। यहाँ पर ओनली शब्द है, उसे ध्यान से देखना। ओनली मतलब के और कंप्यूटर वाले के अलावा उस क्लास में तीसरा पर्सन नहीं होगा। अगर K 9 में पढ़ता है तो के और कंप्यूटर 9 में होंगे, लेकिन इनके अलावा तीसरा पर्सन 9th में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि के कंप्यूटर सेम क्लास, सेम क्लास ओनली लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ये कंडीशन यहाँ पर नोट डाउन हो गई है। एंड स्टडीज इन क्लास 11 एंड नीदर लाइक्स कंप्यूटर नॉर स्टडीज विद द वन हु लाइक्स इंग्लिश। एंड जो है वो 11 में पढ़ता है, ये कंप्यूटर पसंद नहीं करता है, कंप्यूटर यहाँ पर काट देते हैं। साथ ही साथ ये इंग्लिश के साथ नहीं पढ़ता है, इसका क्या मतलब है? एन 11 में पढ़ता है लेकिन इंग्लिश के साथ नहीं पढ़ता है, मतलब इंग्लिश भी 11th क्लास में नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरीके से इंग्लिश 11 और काट देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नोट डाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है पी लाइक्स हिंदी एंड स्टडीज विद ओ। पी को हिंदी पसंद है, ठीक है, साथ ही साथ ये ओ के साथ पढ़ता है, तो यहाँ पर सेम क्लास लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि जे लाइक्स इंग्लिश एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 11। जे को इंग्लिश पसंद है लेकिन ये क्लास 11 में नहीं पढ़ता है। देखो यही चीज़ तो हमने यहाँ भी नोट की थी, तो यहाँ से इसको काट ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स संस्कृत स्टडिंग विद द वन हु लाइक्स फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स और संस्कृत, संस और फिजिक्स ये दोनों भी हमारे सेम क्लास में होंगे। ठीक है, सेम क्लास, इसको भी नोट कर लेते हैं। लास्ट कंडीशन है ओ डज नॉट लाइक संस्कृत, ओ को संस्कृत पसंद नहीं है। देखिए सारी कंडीशन हमारी नोट डाउन हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता भी चल चुकी हैं, तो अब इसको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या पता था कि और कंप्यूटर सेम क्लास में होंगे और इनके अलावा कोई तीसरा उस क्लास में नहीं होगा, ओनली लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। कंप्यूटर यहाँ पर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, यहाँ पर हमने कुछ भी नोट नहीं किया है। कंप्यूटर यहाँ पर हो सकता है क्या?
नहीं कंप्यूटर नहीं हो सकता है, यहाँ पर हमने नोट करके रखा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है क्या कंप्यूटर? देखिए अगर यहाँ पर कंप्यूटर होता है तो ओ और पी सेम क्लास में होने हैं, अगर कंप्यूटर को हम यहाँ लेंगे तो ये दोनों सेम क्लास में हो जाएंगे, और फिर साथ ही साथ बायोलॉजी को भी कंप्यूटर के साथ में ही आना है, तो मतलब तीन लोग एक क्लास में हो जाएंगे। लेकिन हमें पता था कि के कंप्यूटर के अलावा कोई तीसरा पर्सन उस क्लास में नहीं होगा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो बस एक यही पॉसिबिलिटी बनती है, तो कंप्यूटर यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हमारा यहाँ पर आ गया। चलिए इसको तो हम लोगों ने नोट कर लिया, अब ये बचा हुआ है संस्कृत और फिजिक्स सेम क्लास में आने हैं, ठीक है। संस्कृत और फिजिक्स के लिए बस यही दोनों प्लेस बच रही है हमारे पास में, संस्कृत और फिजिक्स यहीं पर आएंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि संस्कृत यहाँ नहीं आ सकता है, अगर संस्कृत यहाँ नहीं आएगा तो मतलब संस्कृत हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, और फिजिक्स फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सारे क्लासेस हमारे नोट डाउन हो चुके हैं, अब हमें यहाँ पर क्या पता था कि संस्कृत और फिजिक्स सेम क्लास में होने हैं, संस्कृत का हमें क्लास 11 पता चल चुका है, मतलब ये फिजिक्स भी हमारा क्लास 11 होगा। अब देखिए फिजिक्स हमारा 11 क्लास में आ गया है, मतलब ओ हमारा 11 क्लास में है, तो ओ और पी सेम क्लास में होने हैं, मतलब पी भी हमारा 11 क्लास में ही होगा। देखिए 11 क्लास के लिए हमें तीन लोग मिल गए हैं, मतलब अब ऊपर के किसी भी प्लेस पर 11 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्लास 10 यहाँ पर नहीं आ सकता है, 11 के लिए अब कोई प्लेस बची नहीं है, क्लास 10 यहाँ पर आएगा नहीं, मतलब यहाँ पर क्लास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर और बायोलॉजी के अलावा कोई तीसरा पर्सन उस क्लास में नहीं होना है, तो अगर क्लास 9 में कंप्यूटर और बायोलॉजी को रखें तो फिर 9 वाले हमारे तीन हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर बायोलॉजी के अलावा उस क्लास में, लेकिन कंप्यूटर और बायोलॉजी के अलावा उस क्लास में कोई तीसरा होना नहीं है, मतलब कंप्यूटर और बायोलॉजी हमारे क्लास 10 में होंगे, तो ये भी क्लास 10, ये भी क्लास 10, और फिर ये बच जाता है तो ये हमारा क्लास 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस तरीके से ये पजल हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और एक बार फिर से कल के SBI क्लर्क के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।